है सैंडी? पकौड़े है? ये कैसे पकौड़े हैं? अंधी हो क्या? ये वर्दियां हैं। अच्छा, तो ये किसकी वर्दी है? हमारी। हमारी? लेकिन ये तो किसी लेडीज पुलिस की वर्दियां लग रही हैं। हाँ, तो ये हमारी कैसे हुई? तुम ना एक ही दफा मुझसे सारे सवाल कर लो, फिर मैं तुम्हें एक ही दफा बताऊंगी कि ये वर्दियां हमारी क्यों हैं। किसी अच्छे मकसद के लिए तो यकीनन नहीं लाई गई हो। कभी कभी ना मेरा दिल करो तो मैं अपनी जिंदगी से ना दफा दूर कर दूं। कभी कभी मेरा तो हमेशा ये दिल करता है। अच्छा, तो करते क्यों नहीं हो? तुम क्यों नहीं करती हो? तुम अपनी जबान बंद रखो नहीं तो मैं खींचूंगी। अब तो मुझे बता रही हो कि ये वर्दियां किस लिए लाई गई हैं? हम पुलिस वालियां बनेंगी। क्या? हाँ। कैसे? ऐसे। सैंडी, ये मैं पहनने कितनी बुरी लग रही हूँ। वो तो तुम वैसे भी बुरी लगती हो। देखो, इस वर्दी को पहनने से अच्छा या बुरा लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। कैसे इस्तेमाल करना है? या अल्लाह, या तो इसे अकल दे दे या मुझे पागल कर दे। दूसरी ऑप्शन अच्छी है। तुम अपनी बकवास बंद करो, और आज तुमने अगर वैसा ना किया जैसा मैंने तुम्हें कहा है तो फिर अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। अच्छा ठीक है, बताओ। कैसा लगा मेरा आइडिया? बहुत बकवास। क्या सैंडी, ये बहुत गलत काम है और मैं तो तुम्हारा साथ नहीं दूंगी इसमें। तुम्हारे तो बड़े भी देंगे। कौन? मेरे नाना दादा? ज्यादा कॉमेडी करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने तुम्हें कहा उस पर अमल करो। लेकिन सैंडी, मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम मेरा साथ दे रही हो कि नहीं? नहीं, नहीं। मुझे एक जवाब चाहिए। ये हुई ना बात। सैंडी, मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात से डर लग रहा है? पकड़े जाने से। बहुत गलत काम कर रहे हैं। इस मुल्क में आज तक कोई गलत काम करने पे पकड़ा गया जो हम लोग पकड़े जाएंगे? यार, तुम कितनी मुतमईन होकर दो नंबरी काम कर लेती हो। इसको कॉन्फिडेंस कहते हैं, और तुम भी जरा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ यार। इतनी घबराई हुई लग रही हो तो ऐसे तो लोग हमसे डरेंगे नहीं ना। लोग हमें बेवकूफ समझेंगे और हम पकड़े जाएंगे। हाँ, कोशिश करती हूँ। उसको रोकते हैं, उसको। हेलमेट कहाँ है तुम्हारा? कोई मेरे पास हेलमेट नहीं। क्यों नहीं है? तुम यहाँ तो लेते क्यों नहीं हो? पता है 500 रुपया जुर्माना है इसमें। चलो निकालो पैसे। रोको रोको, साइड पे लगाओ। चलो साइड पे लगाओ, साइड पे लगाओ, लगाओ। बाहर आओ, बाहर आओ। तुम तो वो ग्रेजुएट रिक्शे वाले हो ना? क्या करें जी, नौकरियां हैं नहीं, पार्ट टाइम रिक्शा चला रहे हैं। आप कौन? तुम्हारी पप्पी। अच्छा, पर अबू ने तो कभी बताया नहीं। बकवास बंद करो, पुलिस वालियों पे ठग झाड़ते हो। नहीं नहीं, ठग क्यों झाड़ूंगा मैं। क्या बात है, गवर्नमेंट ने भी लगता है हमारी भलाई के बारे में सोचा है। क्या मतलब? मतलब ये कि इतनी प्यारी, मेरा मतलब है कि इतनी प्यारी प्यारी पुलिस वालियां भर्ती की हैं। बकवास अपनी बंद करो, यहीं गाड़ दूंगी तुम्हें मैं। सैंडी, इसको मैं जानती हूँ। कैसे? इसने एक दिन मुझे बहुत तंग किया था, बहुत अजीब अजीब बातें भी की थी। कैसी बातें? कुछ बातें बताई नहीं जाती। मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो कुछ और दे देना। क्या चाहिए तुम्हें? एडी तू पोली। क्या? मेरा मतलब है दिल दे देना, तुम्हारी मदद भी हो जाएगी, मेरा काम भी। तुम्हें मेरा दिल चाहिए? तुमसे तो मैं बाद में पूछूंगी, लेकिन ये मौका बड़ा अच्छा है, हम इसे बदला भी ले सकते हैं। ओए, क्या नाम है तुम्हारा? बिलाल उर्फ भोला। मैंने आपको कहीं देखा है। हाँ,
अपने ख्वाबों में, रोने ख्वाबों में। अरे नहीं नहीं कसम से सही वाला देखा है। और कहाँ देखा है? हमारा टाइम ना जाया करो, कागज दिखाओ। कौन से जी? तुम्हारी निकाह के। नहीं जी अभी तो मैं बच्चा हूँ, कुआरा हूँ जी। मैंडी ये ना कुछ ज्यादा शोहर है, इसको ना थाने लेके चलते हैं। थाने? क्यों? क्योंकि तुम पुलिस वालों को बातों में उलझा कर ना भागना चाहते हो। मैंने ऐसा कब किया? तुम्हारे पास रिक्शे के कागज और लाइसेंस है? नहीं। सैंडी इसको बंद करते हैं थाने में और इसका रिक्शा भी बंद करते हैं। जी? जी। जी। मुझे थाने से बहुत डर लगता है जी। आप ये कुछ पैसे रख लीजिए पर मुझे जाने दीजिए। पुलिस वालों को रिश्वत देते शर्म नहीं आती? डूब के मर जाओ। और पुलिस को क्या चाहिए जी? क्या नहीं मेरा मतलब है कि कुछ ले दे के सेटिंग कर लीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे ना लेके जाए। दिखाओ कितने पैसे हैं? बस इतने से? पहना तुमने सूट बूट है और नोट निकाले तुमने सोसो वाले। गरीब मेरे पास तो यही है जी। अच्छा चलो भाग जाओ, दफा हो जाओ। दफा हो जाओ? और आईना तुमने मुझे अपनी शक्ल दिखाई ना तो मैं थाने ले जाऊंगी मैं, और इतने डंडे मारूंगी ना तो सारी जिंदगी याद रखोगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं मेरी तौबा। चलो दफा हो जाओ, भाग जाओ, निकलो। शुक्रिया। चलो निकालो रिक्शा अपना। मैंडी शिकार तो बड़ा अच्छा था, शुरुआत तो बड़ी अच्छी हुई है, अल्लाह करे कि काम भी अच्छा हो। आमीन। सोचो सोचो लोगों में, पेपर के हर फोटो में हो जाए चर्चे अपनी सारी बातों में। हाँ हाँ फोटो तो होगी, लगी थानों में होगी, पिट जाएंगे किसी दिन हम बाजारों में। अरे हैप्पी हो जा रहे के अच्छे दिन भी तेरे आएंगे, अकल की गोली खा ले सुन ले तू के पकड़े जाएंगे। क्यों सर करे ना कोई दुआ ना सर करे कोई कैंडी। मैंडी रुक जाओ थोड़ी देर, हो सकता है कोई अच्छा शिकार ही आ जाए। उस बाइक वाले को देखो कितना तेजी से आ रहा है, रोको उसे। अच्छा ठीक है। मैंडी मुझे तो लगता है कोई बहुत ही हैंडसम लड़का है। क्या? हाँ मैंने ना ड्रामों में और नॉवेल्स में यही पढ़ा है कि आपको आपके सपनों का राजा जो है वो ऐसी अनजान राहों पे ही मिलता है। यार सैंडी तुम पागल हो गई हो क्या? क्या मतलब? मतलब ये तुम एकदम कुछ से कुछ बन जाती हो। यार तुम अपनी बकवास बंद करो और जाके रोको उसे। उठो रुको। कौन है आप? मुझे लगता है आप वही हैं जिसका मुझे इंतजार था। अपना चेहरा दिखाए ना, खूबसूरत चेहरा। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो जी। मैं संग हुए पुराने टीम सब बड़े बड़े हैं, आइडियाज मरे मरे हैं, आसमां घूमे घूमे दिलवर माथा चूमे। अरे सर करे ना कोई दवाना सर करे कोई कैंडी। वेलकम बैक टू सैंडी मैंडी। सैंडी मैंडी 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 Sandy Mandy Sandy Mandy Sandy Mandy Sandy Mandy Sandy Mandy Sandy Mandy Sandy Mandy
असर करे कुमकुम जान। क्या कहा तुमने? मेरा मतलब था कि देखिए वो हम दोनों मिल गए तो दिल को दिल से राह होती है ना जी। वैसे बात तो ठीक है। आप पुलिस वाली हो गए? हाँ। तो फिर आपने दिल की जेल में मुझे हमेशा के लिए कैद कर लेना। तुम्हें तो मैं ऐसा कैद करूंगी तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। वाकई? मैंडी ले चलो इसे थाने। थाने? कौन से थाने सैंडी? अब मेरा मतलब है कि हमारे घर वाले थाने। लेके चलो इसे। लेकिन सैंडी हमारा घर। सुना नहीं तुमने? लेके चलो इसे। चलो 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 चलो। आराम आराम जी। बहुत प्यारी है मुझे। चलो चलो जल्दी करो। चलो। अच्छा अच्छा ऐसी की तैसी तुम्हारी। इसे तुम घर तो ले आई हो लेकिन इसका करना क्या है? मेहंदी इसको हम डराएंगे धमकाएंगे और इससे पैसे बटोरेंगे। हाँ ये तुम्हें लगता है बहुत आसान काम है? बस तुम देखती जाओ। हेलो। आपके मतलब नंबर से जवाब मसूल नहीं हो रहा। ये क्या है? क्यों? ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है। तुम इस वक्त पुलिस कस्टडी में हो। इस कस्टडी में तो मैं हमेशा के लिए रहना चाहूंगा और हमेशा से रहना चाह रहा हूँ। लो जी ले आओ इसे तुम घर। यार तुम तो अपनी बकवास बंद करो। एक तरफ तुम नमूने और एक तरफ ये नमूने। सुनो अगर तुमने हमारी बात ना मानी ना तो तुम्हारे साथ हम बहुत बुरा सलूक करेंगे समझे? तुम जानते नहीं हो मैं इंस्पेक्टर सैंडी हूँ। आप चाहे वजीर आजम बन जाए रहेंगी तो मेरे दिल की नानी। ऐसी फेंटी लगाऊंगी ना कि याद आ जाएगी तुम्हें तुम्हारी नानी। अरे आपके लिए तो कुर्बान है मेरी जवानी। लो जी शुरू हो गई प्रेम कहानी। तुम्हारी सारी उम्मीदों पर फेर दूंगी पानी। चल दीवानी। स्टिक जरूर से चलानी। क्या बात नहीं हो सकती थी तुम्हारी? ये तो अभी मैंने स्टार्ट किए। थोड़ी देर में तुमने अगर 2 लाख रुपए का अरेंज ना किया ना तो तुम्हें भी और तुम्हारी बाइक को भी गायब करवा दूंगी मैं। 2 लाख? जी। ऐसे कुछ कम नहीं हो सकते? नहीं। और अब तुम्हारे पास थोड़ा ही वक्त बचा है खुद को बचाने के लिए समझे तुम? यहाँ तुम सोने आए हो? तो और क्या करूँ? हमने तुम्हें पैसे अरेंज करने के लिए बोला था तुमने किए? कौन से पैसे? पैसे? सुनो तुम ज्यादा नाटक मत करो वरना मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी। मैं क्यों जेल जाऊँ? क्योंकि तुम मुजरिम हो। मुजरिम मैं नहीं मुजरिम तुम लोग हो। मेरे पैसे तुमने देने। क्या? हाँ मेरी बाइक तुम लोगों ने चोरी की। अब जब तक तुम लोग उसके पैसे नहीं देते या मेरी बाइक वापस नहीं करते मैं ऐसे नहीं जाने वाला। अरे बाइक तो नीचे खड़ी है किसने चोरी की? अच्छा जाओ देख क्या गाएं जाओ जाओ जाओ। मैंडी अकल की गोली खा ले सुन ले तू के पकड़े जाएंगे क्यों सर करे ना कोई दो ना सर करे कोई कैंडी।
चोरी की हो। इसको पता है फिर? ये तो फिर उसी को पता है ना जिसकी बाइक है। चलो फिर उसे पूछते जाते हैं। ये क्या पता? तुम्हें बताओ। ये झूठ बोल रहा है सैंडी। मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच, इससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरी बाइक चाहिए या पैसे। लोगों को बेवकूफ बनाना हमारा काम है, लोगों का काम नहीं कि वो हमें बेवकूफ बनाए। आई समझ। लगता है तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। हम वैसे भी नहीं मानेंगी। बस फिर पुलिस तो मनवा ही लेगी। पुलिस? नहीं नहीं, एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। हाँ बोलो। देखो, हमने तुम्हारी बाइक नहीं चुराई। तुम्हारी इस बात पे कौन यकीन करेगा? कोई भी नहीं। बस फिर जल्दी से मेरा नुकसान पूरा कर दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। इधर क्या था? जल्दी, मुफ्त के पैसों की ना खुशबू अलग होती है। सुनो, तुम गवाह हो और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। अब तो तुम लोगों का घर देख लिया मैंने, अब तो आने जाना लगा ही रहेगा। चलता हूँ। सारे पैसे ले गया।